हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपने संसाधन की जो संकल्पनाएं हैं, संसाधन क्या है, उसकी क्या परिभाषा होती है, संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा की है। तो संसाधन का एक साधारण मतलब होता है कि जो मानव समाज की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है, उस वस्तु को, उस तत्व को, उस कार्य प्रणाली को अपन क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन का अन्य क्षेत्रों के साथ में भी संबंध होता है। जैसे संसाधन का संस्कृति के साथ में संबंध है कि संसाधन का मानव संस्कृति के साथ में क्या संबंध है, तो मानव संस्कृति और मनुष्य के ज्ञान तथा दूसरे प्राकृतिक वातावरण के आंतर संबंधों का प्रतिफल होता है। यानी मानव संस्कृति एक ओर मनुष्य के ज्ञान और दूसरी ओर प्राकृतिक वातावरण के बीच में जो अंतर सहसंबंध है, इन अंतर संबंधों का ही प्रतिफल है। जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता है, मानवीय भूदृश्य प्रतिरूप के विकास में पहले के प्राप्त सांस्कृतिक तत्वों की सक्रिय महत्व बढ़ता जाता है। प्राकृतिक वातावरण और सक्रिय मानवीय समंजन प्रक्रियाओं में वृद्धि के साथ प्राकृतिक तत्वों के रूप प्रतिरूप में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता जाता है और क्षेत्रों में ज्ञात अज्ञात रूप से मनुष्य प्राकृतिक तत्वों का विकास भी करता है। कार्ल सावर ने सांस्कृतिक विकास के लिए मानव द्वारा प्रारंभिक प्राकृतिक वातावरण की विकृति को सिद्धांत के रूप में आवश्यक माना और मानवीय भूदृश्य वस्तुतः मानव की उस परिवर्तनकारी और विकृतिकारी प्राविधिक क्षमता का प्रतिफल होता है। इसके द्वारा प्राकृतिक वातावरण को वह अब तक विद्यमान अथवा संभाव्य साधनों का आधार मानकर स्वार्थ के लिए शोषण करता आया है। तो अतः जो संस्कृति स्वतः ही मानव के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली संसाधन है और अन्य संसाधनों की तालिका में भी हर देश काल में समाज में संस्कृति बोध और क्षमता के अनुसार यानी बनती है और ये यानी बदलती रहती है। संस्कृति की परिकल्पना इस महत्व को दर्शाने के लिए पॉल रियर्स ने प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण या विशुद्ध अर्थ के लिए जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन के मध्य एक अंतर संबंधों का सूत्र प्रतिपादित किया है। इस सूत्र में एक संसाधन को आधार माना है जो जनसंख्या से विभाज्य है और दूसरे देश की सांस्कृतिक प्रतिरूप का जो प्रतिफल है उसमें जनसंख्या का और प्राकृतिक वातावरण का अंतर सहसंबंध विद्यमान है। जैसे आदिम जातियों के लिए कोयला, पेट्रोलियम खनिज संसाधन नहीं है जो सुसंस्कृत मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये आदिम मानव के लिए, आदिम जातियों के लिए कोई संसाधन नहीं है क्योंकि उन्होंने इस संसाधन में, जो प्राकृतिक संसाधन है,
इसके साथ में उन्होंने गतिशीलता और सक्रियता नहीं अपनाई है, इसको एक मूल्यवान वस्तु के रूप में निर्धारण नहीं किया है, इसको एक मूल्यवान वस्तु के रूप में योग्य नहीं बनाया है। इसीलिए आदिम जनजातियों का संबंध है वो कोयला और पेट्रोलियम से नहीं होता, उसके लिए ये एक संसाधन नहीं है, इनका वो उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान सुसंस्कृत यानी सुसंस्कृत मनुष्य के लिए पेट्रोलियम और कोयला है वो एक प्रमुख संसाधन माना जाता है, क्योंकि सारी आर्थिक प्रणाली उसी पर निर्भर करती है और इसी से ही विभिन्न प्रकार की मशीनीकृत औजारों का यानी यूटिलाइज होता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, वातावरण है, उसका मनुष्य के साथ में जो अंतर संबंध है उसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को इस रूप में विकसित किया है कि वर्तमान में उस मानव के लिए वो एक मूल्य रूपी संसाधन है। अब यदि प्राविधिकी एवं संसाधन की बात करें, प्राविधिकी एवं संसाधन, प्राविधिकी संसाधन की बात करें तो उसमें संसाधन की अवधारणा गत्यात्मक है और मानव समाज के अभ्युदय से घनिष्ठ रूपेण जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि प्राविधिक विकास संसाधन का निर्माण भी करता है और विनाश भी करता है। यद्यपि आदिकाल से प्राकृतिक वातावरण मानव जीवन यापन और सांस्कृतिक विकास के लिए संसाधन आधार रहा है और संसाधनात्मक समष्टि के रूप में उसकी संकल्पना और व्याख्या आज के औद्योगिक सभ्यता की उपज है। इस व्याख्या में तीन बातों का अधिक प्रभाव झलकता है। पहला, मानव समाज की औद्योगिक प्राविधिकी। दूसरी, सामाजिक संगठन का प्रतिरूप। और तीसरा है परिस्थान का ज्ञान और उसकी व्याख्या। यानी जो प्राविधिक विकास संसाधन का निर्माण भी करता है और विनाश भी करता है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको एक प्राविधिकी या विभिन्न तकनीकी और प्रौद्योगिकी माध्यम से उनको एक संसाधन बनाया गया है और वह उस संसाधन का निर्माण भी करता है और अत्यधिक दोहन से उसका विनाश भी होता है। लेकिन इन संसाधनों का प्रौद्योगिकी की संकल्पना में तीन बातों के प्रभाव से अधिक यानी कि महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें मानव समाज की औद्योगिक प्राविधिकी, मानव समाज है वो वर्तमान में प्रौद्योगिकी और तकनीकी के युग के रूप में कार्यरत है और वह एक सामाजिक संगठन प्रतिरूप के रूप में गतिशील है। उन गतिशील का आधार क्या है, उनके पास में ज्ञान है और ज्ञान ही सबसे बड़ा क्या है, संसाधन है। किसी भी देश काल में किसी भी स्तर की प्राविधिकी उन प्राकृतिक साधनों पर पूर्णतया निर्भर करती है जिनका उपयोग उस प्राविधिकी द्वारा हो रहा है। यानी कोई भी देश काल की स्तर की जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, प्राविधिकी है, वो उन प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतः निर्भर करती है जिनका उपयोग उस प्राविधिकी द्वारा हो रहा है। स्वयं प्राविधिकी मानव संस्कृति का एक पक्ष है और विभिन्न और विशिष्ट संसाधनों की व्याख्या उस संस्कृति के परिवेश से बाहर आकर नहीं की जा सकती है। नवीकरणीय और शोषणीयता यदि विशेषताएं समुचित प्राविधिकी की देन है तो अविकसित संस्कृति मानव समाज में ज्ञान विशेषकर प्राविधिक ज्ञान निम्न स्तर या अभाव के कारण प्राकृतिक वातावरण के अपेक्षाकृत बहुत कम
तत्व या पदार्थ थी और उदाहरण स्वरूप आधुनिक युग से पहले लाखों वर्ष से संचित कोयला अधिकांश सभ्यताओं में एक व्यर्थ काली सी वस्तु थी और इसी प्रकार एक ही वस्तु को कई कई रूपों और कार्यों में उपयोग करने की क्षमता नहीं के बराबर अथवा अत्यंत सीमित थी। अतः प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करने की क्षमता आज के प्राविधिकी युग में ही अत्यधिक हुई है और आज का आर्थिक मनुष्य संपूर्ण जीव मंडल जल स्थल और यानी नभ को समष्टि रूप में से संसाधन आधार मानता है और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करता है। अतः जो समाज प्राविधिकी दृष्टि से जितना बड़ा है उनका संसाधन का आधार और संसाधन के क्षेत्र दोनों ही उतने ही बड़े हैं। यानी कि संसाधन है ये संसाधन का प्राविधिक से सीधा संबंध है। प्राचीन समय के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन थे चाहे कोयला है जैसे, तो कोयला सघन रूप में भूमि के अंदर पड़ा था, उसको एक संसाधन के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा था और वो एक काली वस्तु के रूप में विद्यमान था, उसका उपयोग अनेक कार्यों के लिए नहीं होता था। लेकिन मानव ने प्राविधिकी के द्वारा प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान बुद्धि और क्षमता के द्वारा उस कोयले को वर्तमान युग में अनेक उपयोगी वस्तु के रूप में एक बहुमूल्य संसाधन विकसित किया है और आज उसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में एक संसाधन विकसित करने के लिए किया जा रहा है। तो इस आज के आर्थिक मनुष्य में आर्थिक मनुष्य है वो संपूर्ण जीव मंडल में, जीव मंडल के अंदर जल मंडल वायुमंडल और स्थल मंडल आते हैं, उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाता है और इस संपूर्ण जीव मंडल को संसाधन का आधार मानता है। इसीलिए प्राविधिकी का संसाधन में भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि नगण्य निष्क्रिय पड़े प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान क्रियाशील और गतिशील संसाधन बनाने के लिए प्राविधिकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब संसाधनों का यदि वर्गीकरण पढ़ें तो मोटे तौर पर संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी मोटे तौर पर संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है जिसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन का जो वर्गीकरण है उसको मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन का क्या मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा विद्यमान या दिया हुआ वरदान के रूप में दिया हुआ संसाधन जिसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, इसमें किसी मानव की क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण नहीं हुआ है। प्रकृति के द्वारा जो दिए हुए सिद्धांत है निर्मित किए हुए हैं या विद्यमान जो संसाधन है उसको अपन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसमें चाहे भूमि है, भूमि का मतलब क्या है, धरातल, ये जो धरातल है, धरातल भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, तटीय मैदान है, टापू है, तो इस प्रकार का जो धरातलीय स्वरूप है ये भी प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जितनी भी प्रकार की है, जल है, वायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, चट्टान, पशु, ये जितने भी संसाधन है उसको अपन प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। और इस प्राकृतिक संसाधन के अंतर जो जीव मंडल है, तो जीव मंडल में क्या है, जैसे ये वायुमंडल है, वायुमंडल, ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल, और ये है जल मंडल,
जल मंडल, और इन तीनों की संयुक्त भागीदारी से जहाँ जल मंडल भी है, जहाँ वायुमंडल भी है और स्थल मंडल है, इसी तीनों की अंतःक्रिया से पारस्परिक संबंध से ही जैव मंडल का विकास होता है, जैव मंडल। तो ये जो जैव मंडल है, ये जैव मंडल ही मानव के लिए अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि आर्थिक मानव है, आधुनिक मानव है, वो वायुमंडल में, जल मंडल में और स्थल मंडल में क्रियाशील है और इस पूरे जैव मंडल को अपना एक संसाधन मानता है। और ये जैव मंडल कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन आता है, प्राकृतिक संसाधन आता है। प्राकृतिक संसाधनों में और भी, यानी कि इसमें वर्गीकरण किया गया है जिसका आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें एक होता है नवीकरणीय संसाधन या नवीनीकरण संसाधन। नवीकरणीय जो संसाधन है, ये संसाधन ऐसे हैं जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे वायु है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, जल है वो भी एक नवीकरणीय संसाधन है, मिट्टी है ये भी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय या नवकरण जो संसाधन है जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, उसका पुनः यानी कि बनाया जा सकता है, किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अन्वयकरणीय संसाधन का मतलब है कि इसको समापीय संसाधन भी कहते हैं, एक बार उपयोग होने के बाद में समाप्त हो जाता है, नवीनीकरण नहीं किया जाता है। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम ये कैसे संसाधन है? अन्वयकरणीय संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जाता, इसका एक बार उपयोग करने के बाद में वह समाप्त हो जाते हैं। ये सारे कैसे प्राकृतिक संसाधन है जिसको दो प्रकारों में बांटा गया है, समापीय असमापीय, नवीनीकरणीय अन्वयकरणीय या यानी परंपरागत और यानी गैर परंपरागत। अब इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों पर मानव अपना ज्ञान लगाता है और वो अपनी ज्ञान बुद्धि तकनीकी क्षमता के माध्यम से, इनके माध्यम से आधुनिक संसाधनों का विकास करता है, सांस्कृतिक संसाधनों का या मानवीय संसाधनों का विकास करता है। तो मानवीय संसाधन क्या हुए? जैसे शिक्षा, वो एक मानव संसाधन है, और स्वास्थ्य मानव संसाधन है, ज्ञान अपने आप में एक संसाधन है, तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है या विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्य जो मानव के द्वारा बनाए गए, चाहे मकान है, सड़क है, महल है, दुर्ग है, किले हैं, जितने भी आवास कॉलोनियाँ जो भी इस धरातल पर प्राकृतिक संसाधनों के अलावा दिखाई दे रहा है, वो सारे सांस्कृतिक भूदृश्य है और वो मानवीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उसको मानवीय संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों के वर्गीकरण के तौर पर, मोटे तौर पर इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के तत्व या तत्व समुच्चय है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। इस दृष्टिकोण से प्राकृतिक वातावरण का कोई तत्व या पदार्थ या जीव
जीव या ऑक्सीजन यानी नत्रजन, चट्टान, खनिज, धरातल, मिट्टी, जल, वनस्पति, पशु, मनुष्य उपयोगी होने के कारण इसे संसाधन कहते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। कई प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय भी एकल सकल संसाधन बन जाता है, जैसे एकल सकल संसाधन भी बन जाता है, जैसे कृषि भूमि है वो एकल सकल संसाधन है, वन भूमि है या खदान है। कृषि भूमि प्रकृति के विभिन्न तत्वों, कृषि भूमि एकल सकल जो संसाधन है वो प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि, मिट्टी, ताप और वर्षा आदि का समन्वित रूप होता है। जो कृषि भूमि होती है वो एकल सकल संसाधन है, लेकिन प्रकृति के विभिन्न तत्वों का एक समन्वित रूप होता है, जिसमें मिट्टी भी है, जिसमें जल भी है और उसमें तापमान भी है और वर्षा भी है। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व, पदार्थ या जीव जंतु स्वतः ही अलग अलग और समन्वित रूप से संबंध होकर संसाधन बनते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न जो तत्व है, चाहे भूमि, मिट्टी, ताप, वर्षा, वायु, ये जो विभिन्न तत्व है और यानी जीव जंतु है, विभिन्न पदार्थ है, ये समन्वित रूप से संबंध होकर एक संसाधन का निर्माण करते हैं या संसाधन बनते हैं। दूसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन है ये संस्कृति के निर्माता या प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में मानव सर्व संसाधन है। मानव अपने आप में ये क्या है? संसाधन है, सर्व संसाधन है, क्योंकि वह प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करके नए नए संसाधनों का निर्माण करता है। प्राकृतिक वातावरण स्वतः ही अत्यंत गत्यात्मक रहते हुए भी सांस्कृतिक संदर्भ में मनुष्य उपयोगी के बिना एक निष्क्रिय पदार्थ जगत है। यदि प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग नहीं किया जा जाता है तो वह एक यानी निष्क्रिय जगत या निष्क्रिय पदार्थ जगत कहलाता है। लेकिन यदि वह प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन गत्यात्मक रूप से रहते हुए सांस्कृतिक संदर्भों में मनुष्य के लिए उपयोगी होता है तब वह एक आधुनिक संसाधन कहलाता है। अतः मानव की सक्रियता ही उस पदार्थ जगत और उसकी गतिशीलता को लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, और मानव की जो सक्रियता है वो ही प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय संसाधनों के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता है। मानव इतिहास के प्रत्येक चरण में उक्त मानव सक्रियता का प्रतिरूप भिन्न भिन्न होता है, जिसके द्वारा पदार्थ जगत की संसाधन में निर्दिष्ट होती है। और मानव सक्रियता के कई तथ्यों पर निर्भर करती है, जिसे भूगोलवेता तीन भागों में बांटते हैं। जो मानव की सक्रियता है वो संसाधनों का निर्माण करती है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ में क्रिया करके संसाधनों का निर्माण करती है, और उनकी निर्भरता यानी कि तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में उनकी निर्भरता निर्भर करती है, जिसमें पहला है जीव आनुवांशिकता, जिसमें जाति या कुलगत सक्रिय क्रियात्मक बाह्य प्रतिरूप का प्रभाव अध्ययन होता है। दूसरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन प्रणाली तथा व्यवहार प्रतिरूप, जो आनुवांशिक को भी उपार्जित अनुकूलित व्यवहारिक प्रक्रियाओं के द्वारा देश के कालानुसार परिवर्तित करते हैं, और इस कारण में ही रहन सहन, शिक्षा स्तर, व्यक्तिक पारिवारिक परिस्थितियां, पेशा, सामाजिक आर्थिक
पद स्थिति, नागरिकता, राष्ट्रीयता आदि की भावनाएं, व्यक्तिक और सामाजिक और देश काल की जीवन मूल्य, धर्म आदि अन्य गत्यात्मक जैसे तथ्य जो किसी देश काल में स्थानांतरण, संसाधन घनत्व और कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आचरण आदि बातें महत्वपूर्ण है जो संसाधन को प्रभावित करते हैं। संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारकों को कई प्रकरणों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक संसाधनों की भौतिक विशेषताओं का प्रभाव, सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभाव और प्राकृतिक सांस्कृतिक कारकों का समुच्चय प्रभाव। तीन रूपों के अंदर संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित यानी कि करते हैं। तो संसाधनों की जो उपयोगिता है उसको प्रभावित करने वाले कारक है, जिसमें पहला प्राकृतिक संसाधन की भौतिक विशेषताओं का प्रभाव है। भौतिक जितनी भी विशेषताएं हैं, तापमान की, वायु की, आर्द्रता की, वर्षा की, वनस्पति की, ये जो विशेषताएं हैं या धरातलीय विशेषताएं हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभाव पड़ता है और प्राकृतिक सांस्कृतिक कारकों का समूचे प्रभाव भी पड़ता है।